हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। तो स्पोर्ट्स न्यूज के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफी टाइम बाद स्पोर्ट्स न्यूज का कोई एपिसोड शूट कर रहा हूँ जहां पे मैं आपको मेन मेन स्पोर्ट्स की जो भी मेन खबर है एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी और स्पोर्ट्स न्यूज आपको सारी की सारी दे देता हूँ। असल में एक्टिव हो गया हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कीजिए। आपको मेरा हैंडल स्क्रीन पे दिख रहा होगा @copsports और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कीजिएगा स्पोर्ट्स कॉप के अकाउंट को। सबसे पहले मैं क्रिकेट की खबरों से स्टार्ट करता हूँ। तो ये खबरें आ रही हैं कि धोनी इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं। काफी सारे रिलायबल आउटलेट्स ने ये सब रिपोर्ट किया है कि एमएस धोनी का लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है और वो इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। उनके बारे में काफी ट्वीट भी आ रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड कप के अंदर में बाकी सारे जितने भी स्पॉन्सर्ड बैठ रहे हैं वो सारे के सारे लोगों लगा खेल रहे ताकि वो ट्रिब्यूट दे पाए और ये उनका आखिरी टूर्नामेंट होता है एमएस धोनी का। बाकी जो भी रिपोर्ट है कि मैं आपको चैनल के ऊपर बता दूंगा। अगली न्यूज आ रही वुमेन्स क्रिकेट की तरफ से, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना वापस से किया T20 लीग में खेलने जा रहे हैं जो कि इंग्लैंड की T20 लीग होती है। पिछले साल दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो वापस स्मृति मंदाना वेस्टर्न स्टॉर्म का पार्ट होने वाली हैं, वही हरमनप्रीत कौर लैंकेशायर थंडर का पार्ट होने वाली हैं। तो वापस से दोनों की दोनों इंग्लैंड के अंदर T20 लीग में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है। अब मैं बात करता हूं फुटबॉल के बारे में, तो अपनी इंडियन फुटबॉल टीम कल से इंटरकॉन्टिनेंटल कप के अंदर अपना अभियान शुरू करने वाली है जहां पर उनका पहला मुकाबला तजिकिस्तान से होने वाला है जो कि रात को 8 बजे से स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव आएगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जरूर से ये मुकाबला भी देखना। जिस तरह से आप इंडियन क्रिकेट के सारे मुकाबले देखते हो, आप जरूर से प्लीज इंडियन फुटबॉल के मुकाबले देखा करो। उनको भी उतने प्रमोशन की जरूरत है, वो भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप जरूर से वो मैच देखना, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगे। और अगर आप अहमदाबाद के अंदर रह रहे हो तो आप स्टेडियम में जाकर मैच जरूर देखना, सिर्फ 100 रुपए की टिकट है। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए की स्टेडियम टिकट है और आप जरूर से एंजॉय करने वाले हो। अब मैं बात करता हूं अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के बारे में जहां पे सेनेगल ने युगांडा को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के अंदर एंट्री कर ली है। सेनेगल के लिए सादियो माने ने एक गोल किया जो कि गोल काफी रहा और इस तरह से सेनेगल पहुंच चुका है क्वार्टर फाइनल में अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के। कोपा अमेरिका का फाइनल खेला जाएगा ब्राजील वर्सेस पेरू के बीच में 7 तारीख के रात के 1:30 बजे यानी 8 तारीख की रात हो जाएगी। तो अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, ब्राजील का फुटबॉल देखना चाहते हो, तो आप जरूर से कोपा अमेरिका फाइनल भी चेक कर सकते हो। अगर मैं आपसे टेनिस के बारे में बात करता हूं, मेन न्यूज है कि एशले बार्टी जो कि नंबर 1 है और उनके अलावा सेरेना विलियम्स ने भी विंबलडन के 4th राउंड के अंदर एंट्री कर ली है। जी हां, दोनों के दोनों 4th राउंड के पहुंच चुके हैं। काफी अच्छी न्यूज आ रही विंबलडन से भी और विंबलडन भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और आखिरी न्यूज आ रही एथलेटिक्स में जहां पे इंडिया की हिमा दास ने, जी हां हिमा दास ने 200 मीटर स्प्रिंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है पोजनान ग्रैंड प्रिक्स के अंदर जो कि खेले जा रही पोलैंड के अंदर। वहां पे हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है 200 मीटर की स्प्रिंट के अंदर जो कि इंडिया के लिए काफी बड़ी बात है। तो ये था मेन मेन स्पोर्ट्स की जो भी मेन मेन खबरें मुझे लगा मुझे आपको बतानी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये स्पोर्ट्स न्यूज एपिसोड जरूर से पसंद आया होगा। आप मुझे पोल में बताना कि मुझे स्पोर्ट्स न्यूज से और एपिसोड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। और आप वीडियो देख रहे हो तो 7 जुलाई को मैं 10 बजे लाइव भी आने वाला हूं, तो अगर आप आ सकते हो तो जरूर से लाइव चैट में भी जुड़िएगा। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।